शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 21/5/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं और शिव बाबा हमारे आत्माओं के पिता परमात्मा हैं और वो बेहद के पिता हैं। तो बेहद के पिता से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। तो आइए सुनते हैं बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के विषय में कुछ मीठी मधुर शिक्षाएं। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे किसके? परम पिता परमात्मा के। तो परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान मिटता जाएगा। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर 1, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। नंबर 2, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है सतगुरु बाबा का, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। ये उनका विशेष गुण होता है। सेवा तो सभी करते हैं लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं तो वो तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। परिस्थितियों को देखकर सोचकर खड़े ना हो जाएं, पुरुषार्थ को ढीला न करें, लेकिन उसको उड़ती कला का साधन समझकर और हम उड़ते रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम Shanti. To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.